विनोद जगदाले भी मेरे साथ बने हुए हैं। विनोद जगदाले, सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में और आपने आशंका भी ये जताई थी कि ऐसी भी खबरें आई हैं कि गढ़चिरौली का जो दौरा है वो भी जो है शिंदे ने अपना रद्द कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें आशंका है कि भैया शांति अभी हुई नहीं है। देखिए, शिंदे गुट में अब तक शांति नहीं बनी हुई है, लगातार यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। परसों के दिन दो विधायक, एक विधायक रायगढ़ जिले के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और एक विधायक छत्रपति संभाजीनगर से, ये दोनों आपस में ही वहाँ पर भिड़ गए मंत्रिपरिषद को लेकर। शिंदे गुट में जो भी विधायकों ने शिंदे का साथ दिया था, उद्धव का साथ छोड़कर, उन सभी को आश्वासित किया गया था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें वहां पर मंत्री नहीं बनाया गया। एक साल से वो लंबा इंतजार कर रहे हैं, एकाएक तीसरे पार्टनर की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि उनको मंत्री पद कब मिलेगा, इसको लेकर हंगामा वहाँ पर मचा हुआ है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि शिंदे गुट के 10 जो है 10 लोग हमारे संपर्क में हैं और वो पार्टी छोड़कर, शिंदे की साथ छोड़कर हमारे साथ आने को तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे वहां पर लेंगे। लगातार ये खबरें अब आ रही है, नाराजगी शिंदे गुट में है। लेकिन कल रात को जो बैठक हुई है कार्यकारिणी की, कल शिवसेना की, तब उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी सांसदों विधायकों को समझाया है कि शांति बनाए रखें, अपने बीच जो भी चल रहा है वो मीडिया के सामने ना आए, मीडिया के सामने कोई ज़्यादा बयानबाजी ना करे। मंत्री पद को लेकर मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अच्छे संबंध हैं, हमारी बातचीत अच्छी चल रही है और सबके साथ वहाँ पर न्याय किया जाएगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं, उनका ये कहना है कि अभी जो मंत्री है, 9 मंत्री जो शिंदे गुट के हैं, उसमें से 3 मंत्रियों को तुरंत बदला जाए और हमारा मंत्रिमंडल में यहाँ पर शामिल किया जाएगा, समावेश किया जाए, ये मांग भी अब शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं। जी ठीक है, अंदर इतनी खलबली है लेकिन बाहर सब कुछ ठीक है, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है।